इलाज लई बेबस होया प्यो आर्थिक तौर ते कंगाल होए प्यो वल्लों धी दे इलाज लई घर कीता बकाऊ। पुत ने देश लई जान कुरबान कर दिती पर अज उस शहीद की बेबस मां अपने इलाज लई दर दर दियां ठोकरां खाण लई है मजबूर। बठिंडा दे महिमा सरजा विखे पेके पिंड रह रही मनजीत कौर ने दस्सिया कि उसका विआह बरनाला दे पिंड करमगढ़ विखे होया सी पर पति वल्लों लगातार कुटमार की जाण कारण वह पिछले चार साल तो अपने पेके घर रह रही है। इसे दौरान ही उसका बेटा जो कि फौज विच सी उसकी शहीदी हो गई। मनजीत कौर ने दस्सिया कि हुण तक उसके इलाज उपर 24-25 लाख रुपया खर्च आ चुकया है। उसका इलाज जयपुर के करनपुर तो चल रहा है। हुण डाक्टर वल्लों 7 ऑपरेशन करन उपरंत 8वें ऑपरेशन लई कहा गया है जिस करके उन्होंने पैसों की लोड़ सी अते मजबूर पिता वल्लों उन्हों का घर बकाऊ किया गया है। उधर दूजे पासे बठिंडा के सिविल सर्जन डाक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पिंड महिमा सरजा की रहने वाली शक्की कैंसर पीड़ित मनजीत कौर की सेहत विभाग वालों सरकारी निजमां मुताबक मुफ्त जांच करवाई जाएगी। गोनियाना के सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर अनिल कोल जिला मास मीडिया अफसर जगतार सिंह बराड़ समेत विभाग दी टीमां ने उक्त महिला के घर का दौरा किया। परिवार नाल मिलकर विभाग की टीम ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उक्त महिला बेशक अपनी कैंसर प्रभावित होने संबंधी कोई दस्तावेजी सबूत मेडिकल टीम नूं नहीं दिखा सकी पर परिवारक मैंबरां वल्लों कैंसर पीड़ित होने का दावा करन ते सिविल सर्जन बठिंडा ने महिला की मेडिकल जांच करवाए जाने दीआं हदायतां जारी कर दित्तीआं हन। जे न्यूज़ पंजाबी लई बठिंडा तो अवतार सिंह कैंथ की रिपोर्ट। की नाम है प्रभु, की कहना चाहुंदे? मनजीत कौर है जी मेरा नाम। मैं कैंसर की प्रॉब्लम है जी, मैनू मैं ये चाहनी मेरा ऑपरेशन हो गए, 7 ऑपरेशन हो गए जी। जयपुर तो मेरा इलाज चलता है, हूँ भी ऑपरेशन दस्या, ऑपरेशन कराना है मेरा हूँ भी। किन्ने समय तो तुसी कैंसर नाल जूझ रहे हो? 8 साल तो जी। ते तुहाडा पुत शहीद होया पहुंचे सी, माली मदद क्यों नहीं मिलती? ये जी क्योंकि ये भूआ फुफ्फड़ ने मरी आख्या जी, भी अमरदीप की माँ बचपन चो ही मरी है जी। की कारण मानते इन चीज़ों? की पता जी की कारण, उन्होंने पता है भी जिन्होंने मरी आख्या जी। 18 च भर्ती होया सी, 25/4/21 नूं शहीद हो गया जी। मैंने मूँह भी नहीं देखन दिता मेरे पुत दा। केड़ी थां ते तुसीं व्याही सी ते की कारण बने तुहानूं घरों कढ़न? मैं फूल व्याही सी जी, कुटदा मारदा सी, कबूतर रखदा सी, नशा पत्ता करदा सी, असीं मैनूं घरों कढ़ता जी। कुटमार करके मेरी ननान नंदोई ही मैनूं कटवाउंदे सी हर वक्त। हुण पुत दी तुहानूं शहीद हो गया, तुहानूं पुत तक वह भी नहीं मिल रहा कि तुसीं पुत शहीद की माँ? हाँ जी, मैनूं कुछ नहीं मिलिया जी, ना ही मैनूं यह फिक्र हुंदा है कि मैं शहीद की माँ हैगी, क्योंकि मैं तो यह दर्जा ही खोलिया इन्होंने। किन्ना ने शहीद का दर्जा खोलिया? मेरी ननान नंदोई ने जो यही कहता भी माँ मरी भी हैगी, उदो सरपंच ने कहता भी इतने ना आई भी तू माँ आएगी, यही कह के मैनू सरपंच ने फोन करता। जो भी माँ तो शहीद दे माँ होने का दर्जा खोल दिता गया, वह बंदे दे कहो जी कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मेरे तो मेरा हक खोलिया, मैं शहीद होने की माँ का हक खोलिया मेरे तो। हूँ की मंग करते सरकार? मैं सरकार तो यही मंग करती हूँ मैनू इंसाफ मिले, मेरा इलाज हो जाए, तो मैनू मेरी बेटी मिल जाए। किन्ने बच्चे ने तुहाडे? मेरे 2 बच्चे सीगे जी, बेटा 1 बेटी। बेटा शहीद हो गया तो बेटी है, बेटी भी भूआ फुफ्फड़ कोले है, मेरे कोले कुछ नहीं गाण कोले है, मेरे कोले कुछ नहीं गाण जी। का आपां गल करिए समाज सेवी संस्थावां ते सरकारां कहिंदियां ने असीं मदद करदे आं जे कोई कैंसर पीड़ित होवे, अज तक कोई मदद देण आया? नहीं जी, कोई नहीं आया अजे तक, ना ही असीं किसी कोले कोई गल करी सीगी। जिन्ना कुंदा सी आपदे घरों सी अदा करी जांदे सी माड़ा मोटा। पिंड दा कोई वासी या पिंड दा सरपंच तुहाडे तक पहुंच कीती हो? नहीं जी, कोई नहीं पहुंचा अजे ताईं। हुण की मंग करदे? मैं तां बस यही मंग करदी हां वी मेरा इलाज हो जाए, मेरे पापा दा घर ना विके, वी कित्ते जावांगे असी पूरा परिवार जे घर विक गया तो। ते जिहड़ा घर है बिकाऊ क्यों कीता गया? मेरा नाम जीत कौर है जी, ये घर बकाऊ करिया भी गुड़िया की बीमारी करके, कैंसर करके। साढ़े को कोई है ही नहीं गा, इन्ना ना कोई साढ़े को जमीन है, ना साढ़े को पैसा झेली है, सहरे बनियो कड़ी भी उन्होंने। मतलब दो तेरा फौजी शहीद होया फिर माली मदद क्यों नहीं?
नहीं जी उन्होंने मरी साबित करता ननान दोइए ने। ननान दोइया का भी मर चुकी निकी होंगे भी मां 11 साल का बच्चा सीगा जो उन्हों का कजिया कलेश पिया 11 साल के बच्चे तो 9 साल की कुड़ी थी फिर भूआ फुफड़ चक के ले गए भूआ फुफड़ ने थे आपका पढ़ाई लिखे खर्चा पानी वो प्यो को जाता से महसूस तो मेरे बहुत होंगे जो मेरी बच्ची ज्योदी मारती उन्होंने पर जो कुछ सीगा होया ने करों क्ढी सी मेरी नहीं ज्योदी तो ना मार दे ना देंदे मेरी धीन जो कुछ देना आप रख लें रखन दे मारे ने उन्होंने मरी कर भी मां मर गई हक देना चाहिए मां मां के बच्चे बच्चा जरमिया उन्हें रखा वह बच्चा पालिया 9-11 साल का को मां हक मिलने का हक है दे सरकार गौर उपर ले दे सारे जी कितने जावगा तो कि पता कितने ले जाऊगा परमात्मा सारे मंग यही कर दे भी सरकार करे सहायता वध तो वध साडा घर विकनो रह जे छत थले मेरे बच्चे बहिंदे रह जाण दो मुंडे इक गुड्डी है। सत श्री अकाल जी मैं वर्ल्ड कैंसर केयर संस्था तो मालपा डॉक्टर सुखपाल सिंह सिद्धू राती मैनू साडे ग्लोबल इन्वेस्टर सरदार कुलवंत सिंह धालीवाल जी का फोन आया तो उन्होंने दस्या भी ए करके तुहाडे बठिंडा जिले के एक पिंड मेहमा साडे किसी बाप ने अपनी बेटी के इलाज लई मकान पकाऊ किया गया तो मैंने उन्होंने ड्यूटी लाई है भी तुम पहुँच जाओ उन्होंने घर उन्होंने घर के हालात देख के आओ तो हूँ असी इतने पहुंचे हैं कि मेहमा साडे उस भैन के जो सारिया रिपोर्टा चेक की गई तो आने वाले दिनों के जी टीम वालों इस परिवार के सारे चैकअप जो किए जाएंगे वो भैन के नाल ही जी पंजाब गौरमेंट वालों हैल्प होनी है 1.5 लाख रुपए की वो फाइल भी साडी टीम वालों पुटअप की जाऊ और नाल ही जो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड आवा बना के भैन का वो तहत भी यहाँ जी भैन का इलाज करवाया जाऊगा। उस तो अलावा साड़ी संस्था वालों भी पूरी हेल्प की जाऊगी असी वादा करते हैं भी इस भैन का जो घर आ जा इस बाप का घर आ उसे विकन नहीं देवे।